झमाझम बारिश हो रही है, गर्मी से उमस से आपको राहत मिली होगी। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको ये खबर बता रहा हूं कि बिहार में पिछले 3 दिन से मॉनसून की बारिश लगातार हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। अभी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी बारिश की, झमाझम बारिश हो रही है। यानी मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके अनुसार बिहार के कई ज़िलों में सुबह से बारिश हो रही है, आगे भी बारिश होती रहेगी। और मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी जिलों में बारिश के आसार हैं। आरा, बक्सर समेत कई शहरों में आज सुबह से ही बारिश, आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की जो भविष्यवाणी की थी मौसम विभाग ने, वो सच साबित हुई है, झमाझम बारिश हो रही है। आरा शहर में गुरुवार की सुबह भी बारिश हुई है, अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी पटना में बारिश हो रही है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक इस साल बिहार में मानसून का आगमन सही समय पर हुआ है और पूरे बिहार को मानसून ने कवर कर लिया है, तो बिहार का कोई कोना अब सूखा नहीं है, हर जगह बारिश हो रही है। पहले बुधवार को भोजपुर, बक्सर, रोहतास के अलावा भागलपुर, गया सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हुई थी। आज भी बक्सर, पटना, आरा में झमाझम बारिश हो रही है। बुधवार की शाम 5 बजे तक गया में जहाँ 31 mm बारिश हुई, तो वहीं भागलपुर में 24 mm बारिश हुई। पटना की बात करें तो पटना में बारिश की मात्रा 1.9 mm रही है, लेकिन अभी फिर बारिश हो रही है तो बढ़ भी सकती है। मानसून के आगमन के साथ ही बिहार में लगातार हो रही बारिश किसानों को राहत देने वाली है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि खेती का समय है और बारिश हो जाए तो डीजल का खर्चा बचेगा। खरीफ की खेती की तैयारी में किसान अभी से जुट गए हैं। धान की खेती करने वाले किसानों ने खेतों में बिजरा डालना शुरू कर दिया है। तो बिहार में बरसने के साथ, मानसून के बरसने के साथ ही यूपी और एमपी में भी मानसून सक्रिय हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने अभी तक देश के 70 हिस्से में पहुंच गया है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून की बारिश हो रही है। और इस बार पूरे देश में अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मानसून के समय से आ जाने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली ही है, लेकिन मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है, अगर सच साबित हुआ कि इस साल अच्छी बारिश होगी, तो मान कर चलिए कि जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है कोरोना संकट के कारण, लॉकडाउन की वजह से, शायद खेती बाड़ी इसको दुरुस्त करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा, इसको थोड़ा मजबूत करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग जान सकें कि आगे कितनी बारिश होने वाली है और बारिश की वजह से कैसे किसानों के चेहरे खिलने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी समय से आप तक हमारी खबरें पहुँचेंगी।